गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं टाटा की एक यंग लेडी जिनका नाम मोनिका चौकसी है, उनके द्वारा ये प्रेजेंटेशन। ओवर टू सुनील मैम। करेंगे। ओवर टू यू मैम। आज आप अपनी सक्सेस का राज हम सबको बताइए कि आप इतनी छोटी एज में कैसे इतने अच्छे से लेवल अचीव किए हैं, इतने अच्छे टीम को संभाल रहे हैं। तो वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच सोनल मैम, आपने इतना वार्म वेलकम किया और बहुत ही जबरदस्त। तो आप सबसे ही मैंने सीखा है, आप राजधानी हो, एक्सप्रेस हो, सारे लोग जानते हैं, सभी लोगों से सीखना है और करना है बस। थैंक यू वेरी मच फॉर द वार्म वेलकम सोनल मैम। सो फ्रेंड्स, जैसा कि सोनल मैम ने बताया, मेरा नाम मोनिका चौकसी है, मैं टाटा से बिलोंग करती हूँ, आज की डेट में क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ और इस बिजनेस को पूरे जोश और जुनून से एंजॉय कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं, मेरी फैमिली में 6 लोग हैं, मैं सबसे ओल्ड लड़की हूँ इस फैमिली में। मेरे माता पिता हैं, मेरी छोटी बहन है, दादा दादी हैं और मैंने BSc IT कंप्लीट किया है कॉलेज में, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने कंप्लीट किया है। MBA करने जा रही थी लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे MBA करने से रोक लिया, और ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरा फ्यूचर और भी बेटर बना दिया। वो कहते हैं ना कि कुछ आप बड़ा करने जाते हो तब कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ हो जाता है जो आपके लिए बेटर होता है। हमेशा अच्छी चीजें आपके साथ हमेशा होती है अगर अच्छी नियत होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरी मुलाकात जो है, एक बार हमारे गुरु, हमारे लीडर, हमारे मेंटर सतेंद्र सर से हुई। उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो वो जब मिले मुझसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने कई सारी बातें बताई और एक चीज ऐसी थी जिसने मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल दी। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हें जॉब मांगने वाला बनना है या जॉब देने वाला बनना है। तो उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब देने वाला बनना है और आज उसी फील्ड में आगे बढ़ते बढ़ते ही मैं यहाँ तक पहुंची। और सबसे ज्यादा थैंक्स मैं करना चाहती हूँ जानवी मैम का, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया और मुझे इस इंडस्ट्री में लाया और ऐसी मुझे अपॉर्चुनिटी दी काम करने की और इस जूम मीटिंग में आने के लिए उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। उसके लिए सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करना चाहती हूँ जानवी मैम का। फ्रेंड्स, कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि आपके मॉम डैड, आपके जो पेरेंट्स है वो अलग होते हैं और आपके गुरु जो है वो अलग होते हैं। मेरे केस में एक सब एक ही है, मेरी मॉम जो है वो मेरी मदर भी है और मेरी गुरु भी है, और साथ ही साथ सतेंद्र सर का आशीर्वाद हो तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड। तो अब आते हैं आज के टॉपिक में। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही शानदार है फ्रेंड्स, यंग मिलियनेयर। आज के डेट में यंग मिलियनेयर, आज हम सारे लोग देख रहे हैं वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आ रहा है। कम उम्र में लोग ज्यादा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? सोचिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास जो आपने ड्रीम सोची थी वो आपने सब हासिल कर लिया। आपको ड्रीम हाउस मिल गया, आपको ड्रीम कार मिल गई, आप मर्सिडीज में घूम रहे हो, आपको आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप वो सारी चीजें जी रहे हो जिसके लिए आपने सोचा था, आपने सपना देखा था। तो अब फ्रेंड्स, आपको सारी चीजें हासिल हो गई है और आपकी उम्र जो है 70 साल है, तो क्या आप वो सारी लग्जरीज, वो सारे सपने, वो सारे सक्सेस जो आपने हासिल किए वो एंजॉय कर पाएंगे? मैं आप सबसे पूछती हूँ, अगर 70 इयर्स की आप हो और आपके पास सारी लग्जरीज है तो क्या आप वो एंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आज के डेट में यंग एज में मिलियनेयर बनना क्यों जरूरी है? यंग एज में रिच एंड वेल्दी बनना क्यों जरूरी है हम सबके लिए? फ्रेंड्स, अगर मैं आप सारे लोगों से पूछूं कि आप यंग, आपको अगर मौका मिलता है कि आप यंग एज में बड़ा ही सक्सेस कर लेते तो आप करते कि नहीं करते? अगर आपके पास ऑप्शन होता कि मैं जल्दी सक्सेस कर लेती और जल्दी रिटायर हो जाती तो करते कि नहीं करते? करते फ्रेंड्स, हम सारे लोग चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा सक्सेस हमें मिले,
तो फ्रेंड्स आज ऐसा कुछ रास्ता है हमारे पास जिससे कि यंग एज में और कम समय में हम मिलियनेयर बन सकते हैं। और अगर मैं आप सारे लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि आज मैं अभी बात करने जा रही हूँ एक बहुत ही अमीर इंसान की, तो आपके सब में माइंड में क्या आएगा? अमीर इंसान यानी कि जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, फिर स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, ये सारी चीजें माइंड में आएंगी जिनकी एज कम से कम 40-50 साल के ऊपर है। हम जब अमीर के बारे में सोचते हैं तो हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हमारे दिमाग में 40-50 साल की उम्र के ही लोग दिखते हैं, दिखते ही नहीं दिखते। हम कभी भी ऐसा सोच ही नहीं पाते हैं, हमारा माइंडसेट ऐसा होता ही नहीं है कि हम किसी 25 साल की लड़की को अपने दिमाग में सोचे कि अमीर है, ऐसा कभी हम सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी सोच है कि अगर रईस है, अगर अमीर है तो 50 साल के ऊपर ही होगा। एक बार एक ऑथर था, वो एक रास्ते से जा रहा था आइसक्रीम खाते खाते हुए, उसने एक बहुत ही शानदार चमचमाती लैम्बोर्गिनी कार देखी, तो उसके भी माइंड में यही आया कि ये लैम्बोर्गिनी गाड़ी इतनी महंगी है, ये तो जरूर किसी 50 साल की बूढ़े की होगी। लेकिन फ्रेंड्स जब उस लैम्बोर्गिनी का मालिक आया बाहर उस गाड़ी में बैठा, तो वो ऑथर बड़ा ही हैरान हो गया और शॉक हो गया। उसने क्या देखा, वो मालिक 24-25 साल का ही दिख रहा था, वो 25 साल का ही था, तो उसे बड़ा उससे बड़ी हैरानी हुई। तो उसने जाकर उस आदमी से पूछा कि भाई साहब आप करते क्या हो, तो उसने बोला कि मैं तो इन्वेंटर हूँ, ये कहकर वो चल गया उस गाड़ी में। अब ऑथर को ऐसा लगा कि 25 साल की उम्र में भी लोग रिच और वेल्दी बन सकते हैं, मिलियनर बन सकते हैं। उसने तभी ऐसे ठान लिया कि इस चीज में वो जरूर रिसर्च करेंगे। तो उसने ये सोचा कि अगर 25 साल में मिलियनर बन सकते हैं तो क्यों नहीं। इस बात पर उन्होंने कई सारा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये पाया कि 3 रास्ते हैं जिससे कम उम्र में लोग रईस बनते हैं, रिच बनते हैं। वो 3 रास्ते क्या है? सबसे पहला है साइड वॉक वाले लोग हैं, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। 3 रास्ते हैं जिससे कम उम्र में लोग अमीर बनते हैं। तो सबसे पहला है साइड वॉक जो लोग फॉलो करते हैं ना, उन्हें बोलते हैं साइड वॉकर्स। ये लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए सिर्फ आज जो है वो आज ही है, कल कुछ नहीं है। वो लोग कल के बारे में नहीं सोचते कभी, उनके लिए आज ही है और आज ही सब कुछ है। वो उनका कभी भी पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये होते हैं साइड वॉकर्स वाले लोग। वो कभी भी अपना फाइनेंशियल गोल के बारे में नहीं सोचते, उनका फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा कि कल उनके लिए कुछ भी नहीं है, जो है आज ही है, तो उनका कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होता है, फाइनेंशियल गोल नहीं होता है, इसलिए वो आज बहुत खुलकर जी लेते हैं। ऐसे लोग जो है वो सैलरी टू सैलरी पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि एक बार उनकी सैलरी आ गई, उन्होंने दिल खोलकर खर्चा किया और उसके बाद मंथ एंड आते आते सैलरी जो है एकदम खत्म हो गई और दूसरी सैलरी आते आते उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो क्या ये सही तरीका है जीने का और कमाने का? नहीं। ऐसे लोग फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए उनकी गलती से 1 महीने की सैलरी रुक गई, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था कि कभी कुछ ऐसा हो जाता है इस देश में कि सैलरी रुक गई या कट गई, तो इनका तो दिवाला ही निकल जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा सिस्टम हमें बनाना चाहिए कि कभी हमें पैसों की कोई कमी ना हो। मान लीजिए अगर आपका सिस्टम रुक भी जाता है किसी पॉइंट पे, तो आपके पास पैसे हमेशा बचे हुए रहे। तो ऐसे लोगों के पास पैसे कभी बचते नहीं है जो सैलरी टू सैलरी डिपेंडेंट होते हैं और बहुत दिल खोल कर खर्च करते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो साइड वॉकर्स होते हैं। साइड वॉकर्स में भी 2 तरह के होते हैं, एक साइड रिच होते हैं और एक साइड पुअर होते हैं। साइड पुअर के बारे में जो मैंने अभी बताया वो साइड पुअर होते हैं, और साइड रिच जो होते हैं वो एक बार के लिए अमीर बन ही जाते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको मिलेंगे, जो जिनकी सैलरी 40,000 होती है लेकिन वो 50,000 का खर्चा करते हैं एक फोन में, एक फोन खरीदने के लिए 50,000 का खर्चा करते हैं, और भले ही उनको फाइनेंस कराना पड़े, लेकिन वो जो ऐसे लोग होते हैं साइड रिच जो सिर्फ शो ऑफ में बिलीव करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा कमाना है और शो ऑफ करना है, और शो में ही सारी जिंदगी उन्होंने खत्म कर देनी है। ऐसे लोग जो है वो रिच दिखते तो है लेकिन असल में रिच नहीं होते हैं। हमें क्या बनना है? असल में रिच बनना है, असल में वेल्दी बनना है। आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, हर चीज के लिए आपके पास मनी होना चाहिए, सेविंग्स भी होना चाहिए। तो ऐसे लोग जो है वो साइड रिच होते हैं, जो आज आया वो कल खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स इस सिस्टम में हम अमीर नहीं बन सकते, ये सिस्टम फॉलो करके हम ज्यादा देर तक मनी सेव नहीं कर पाते हैं। तो और दूसरा रास्ता जो है वो है स्लो लेन।
स्लो लेन पर चलने वाले लोगों को स्लो लेनर्स कहते हैं। जो स्लो लेनर्स होते हैं, इसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं, ज्यादातर मिडिल क्लास वाले जो लोग होते हैं वो स्लो लेन में आते हैं, यानी कि ये साइड वॉकर्स से तो मिलियन टाइम्स बेटर होते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी जिंदगी की फिक्र है, इतने उन्हें अपने फ्यूचर की फिक्र होती है कि आने वाले टाइम में मुझे हमेशा सेविंग्स रखनी है, अपना बेटर फ्यूचर बनाना है। ये लोग सोचते हैं एटलीस्ट कि हमें अपना फ्यूचर अच्छा करना है। ये लोग जो जॉब बिजनेस सारी चीजें करते हैं उससे पैसा सेव कर लेते हैं, और कुछ पैसा जो सेव होता है उसे इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं। पैसा सेव करते हैं और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उनकी लाइफ जो है आगे जाकर स्टेबल और सिक्योर हो सके, अपने स्टेबल और सिक्योर लाइफस्टाइल फ्यूचर के लिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये भी अमीर बनने का सही रास्ता पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें अगर हम सेविंग्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन फिर भी इतना पैसा हम नहीं जोड़ पाते हैं कि हम यंग एज में, कम उम्र में, और फास्ट इनकम इसमें ऐसी जनरेट नहीं होती है कि हम अपना लाइफ एंजॉय कर सके। ऐसे इनकम में हम कमाते कमाते 50-60 साल के ऊपर हो जाते हैं, और उसके बाद जो भी हमें लग्जरीज मिलती है उसे हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, तो हम 25 साल तक तो पढ़ाई ही करते रहते हैं। मान लीजिए 23-24 साल तक आपने पढ़ाई की, आपने कई सारी डिग्री हासिल की, और पढ़ाई करने में सबसे ज्यादा तो डिग्री में खर्चा होता है। मान लीजिए आपने डिग्री हासिल की, उसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, और अगर कोई ऐसी डिग्री है जो बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी डिग्री है, तो उसमें करोड़ों रुपए भी खर्च हो जाते हैं। उसके बाद 25 साल तक आपने पढ़ाई की, काम किया, इंटर्नशिप की, उसके बाद 25 से 30 साल के बीच में आपने एक इंटर्नशिप में जॉब पकड़ लिया, आप किसी हॉस्पिटल में चल गए, वहां भी आपने काम किया, और या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि क्लिनिक आपने खोल लिया अपना, और उधर भी आप काम कर रहे हैं। 30-35 साल तक आप काम करते हो, क्लिनिक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो, तब जाके आप 40 साल तक फाइनेंशियली फ्री होते हो। फाइनेंशियली फ्री होने के बाद क्या आप वो सारा फ्रीडम एंजॉय कर पाते हो? आपके पास टाइम होता है? नहीं होता है। रोज जाना पड़ता है क्लिनिक, रोज काम करना पड़ता है, और रोज आपको सेविंग्स करनी पड़ती है। इस तरीके से हम कमा तो लेते हैं, फाइनेंशियली थोड़ा बहुत फ्री भी हो जाते हैं, लेकिन आप अपना टाइम नहीं निकाल पाते। आप इन्वेस्टमेंट करके आप अपना जो टाइम है उसे एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये था फ्रेंड्स स्लो लेन। अब आते हैं फास्ट लेन, जो कि आज के डेट में फास्ट शेड्यूल में, फास्ट रूटीन में, वो बोलते हैं ना कि आज का जनरेशन बहुत फास्ट हो गया है, तो हमें फास्ट लेन फॉलो करने की बहुत जरूरत है। फास्ट लेन में क्या होता है? फास्ट लेन वाले लोग जो है ना, वो सिर्फ स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई में विश्वास नहीं रखते, उनकी पढ़ाई सिर्फ वहां खत्म नहीं होती है, वो जिंदगी में हर स्टेप में हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, हर रोज अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, डेली कुछ ना कुछ नया करते हैं, डेली कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करते हैं, और वो अपना ऐसा नॉलेज क्रिएट कर लेते हैं कि उससे वो, उस नॉलेज से वो ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं कि उसे जिंदगी भर तक कमाना ना पड़े। वो ऐसा एक सिस्टम बना लेते हैं, ऐसा एक बिजनेस बना लेते हैं कि जिंदगी भर उसे वो इनकम आती रहे, चाहे वो जाए ना जाए, चाहे वो टाइम दे ना दे, लेकिन वो इनकम रुकती नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसा सिस्टम क्यों ना जनरेट किया जाए फास्ट लेन के थ्रू, कि हम वो सिस्टम क्रिएट करने के बाद जिंदगी भर वो पैसा आते रहे, और पैसों की कभी कमी ना हो, और हम उस पैसों को, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जल्दी, फास्ट लेन में क्या होता है कि जल्दी आप बना लेते हो पैसा, और उसे एंजॉय भी कर लेते हो। सिर्फ आपको 5-6 साल मेहनत करने की जरूरत है, उसके बाद आपको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। ये होता है फास्ट लेन। लेकिन फास्ट लेन को फॉलो करने के लिए काफी मेहनत की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि साइड वॉकर्स और स्लो लेन के मुकाबले फास्ट लेन को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। मेहनत क्योंकि आपको दिन रात काम करना है, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं बिजनेस में, जॉब में क्या करते हैं कि 9 से 9 का चक्कर रखते हैं। 9 बजे गए, शाम को 8 बजे 9 बजे आए, फिर खत्म हो गया, उसके बाद कोई काम नहीं। अगर फास्ट लेन में काम करना है तो हमें वो 24 घंटे का चक्कर जो है ना वो तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम फास्ट लेन में फास्ट इनकम जल्दी क्रिएट कर पाएंगे। ऐसे रास्ते से हम जल्दी अमीर बन सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि टाइम देना पड़ता है ज्यादा। टाइम यानी कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं कि फास्ट लेन है तो जल्दी जल्दी इनकम आ जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जितनी बड़ी इनकम होती है उतना ज्यादा टाइम लगता है। टाइम तो देना पड़ेगा, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, हमें कई सारे ऐसे एसेट्स रखने हैं जिससे कि हम अमीर, जल्दी अमीर बन सके।
तो फ्रेंड्स ये था फास्ट लेन का तरीका। फास्ट लेन हम कैसे कर सकते हैं, फास्ट लेन पर काम, ये तो बता दिया मैंने कि फास्ट लेन होता है, लेकिन फास्ट लेन पर चलना कैसे है, इस पर काम कैसे करना है, इसका तरीका क्या है कि हम जल्दी अमीर बन सके। फ्रेंड्स इस तरीके में चार पॉइंट्स में बताने जा रही हूँ जो कि फास्ट लेन में अप्लाई करने से हम सारे लोग जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, अटैक द नीड। फर्स्ट पॉइंट है अटैक द नीड। हमें कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, ऐसा बिजनेस बनाना चाहिए जो लोगों की नीड को पूरा कर सके, यानी कि अटैक द नीड, यानी कि जो लोगों की नीड को पूरा करता है, सही नीड को पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में ओला को हम देखते हैं, कई सालों पहले क्या था कि घंटों वेट करना पड़ता था ऑटो के लिए, रिक्शा के लिए, टैक्सी के लिए। ओला ने क्या किया, वो लोगों की नीड को समझा, लोगों को वैल्यू किया और वो उस नीड को उन्होंने उसका एक रास्ता निकाला। और आज के डेट में हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि ओला कितना सक्सेसफुल है, कितना जिन लोगों ने ओला में पैसे लगाए उन्होंने बहुत पैसे बनाए हैं। आज की डेट में हर हर रास्ते में आपको ओला दिखती है, क्योंकि उन्होंने लोगों की सही नीड को समझा, उसे वैल्यू किया, उसका रास्ता निकाला और आज वो बहुत पैसे बना रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल भी है। तो फ्रेंड्स हमें लोगों की सही नीड को पूरा करना है, तभी हम अमीर बन पाएंगे। उसके बाद सेकेंड आता है हमारा हाई एंट्री बैरियर बिजनेस। हाई एंट्री बैरियर मतलब कि कभी कभी क्या होता है, हम कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कपड़े की दुकान खोलनी है, तो वो हाई एंट्री बैरियर है। हमें एंटर इस बिजनेस में एंटर होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, हाई इन्वेस्टमेंट, हाई टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ हाई है इसमें। तो ये एक बैरियर है, आप बिजनेस तो खोल लेंगे लेकिन इसमें सब कुछ आपको हाई इन्वेस्टमेंट, हाई एंट्री, सारी चीजें हाई है इसमें। तो आपको जो है ये हाई एंट्री बैरियर बिजनेस क्रिएट करना है जिसमें कि आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, ज्यादा आपको रिस्क ना लेना पड़े, आपको आपके पास कोई रिस्क फ्री इनकम हो और आपके पास कोई ऐसा बैरियर ना हो जिससे आपको कोई नुकसान हो। तो फ्रेंड्स हमें ऐसा सिस्टम और बिजनेस क्रिएट करना चाहिए जो रिस्क फ्री हो और नो इन्वेस्टमेंट हो, लो इन्वेस्टमेंट। और तो फ्रेंड्स ये था हाई एंट्री बैरियर बिजनेस। और तीसरा हमारा पॉइंट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी बहुत जरूरी होती है आज के डेट में। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपके बगल में कोई शॉप है, किराने की दुकान है, मान लीजिए राम की दुकान है, तो राम की दुकान राम तक ही सीमित है, इसके अलावा तो उसकी कहीं और दुकान नहीं है। आप जाते हैं वहां से सामान खरीद कर आते हैं, कई सारे लोग डिलीवर भी कर देते हैं, उसकी और कोई दुकान नहीं है, एक ही दुकान है जिसमें वो डिपेंडेंट है और उसका कोई स्केल नहीं है। वो एक जगह बैठते हैं और अपने आसपास की मार्केट में, आसपास के घरों में वो सप्लाई करते हैं, बस इतना ही है एक राम की दुकान का पावर। और उसी तरीके से एक और सिस्टम है जिसका नाम है अमेज़न। और एक और एग्जांपल हमारे पास है अमेज़न। अमेज़न क्या करता है, वो डेली नीड को, डेली रूटीन में मुझे सारी चीजें होती है उससे उसे प्रोवाइड करता है। जैसे राशन दुकान है वैसे ही अमेज़न है, वो भी हमें डिलीवर करता है, वो भी वो सारी चीजें रखता है जो जिसकी हमें डेली जरूरत पड़ती है। उसके पास एक ऐसा सिस्टम है, उसके पास नेटवर्क है, आज पूरे वर्ल्ड में अमेज़न अवेलेबल है। आज मैंने ऑर्डर किया, कल आ गया, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 24 आवर्स के अंदर ही वो सामान आ जाता है। तो अमेज़न ने क्या किया, लोगों की नीड को समझा, उसे वैल्यू किया और ऐसा सिस्टम क्रिएट किया पूरे वर्ल्ड में जो स्केलेबल है, जो आपके फोन में है, अवेलेबल है। फ्रेंड्स राम की दुकान राम तक ही सीमित थी, लेकिन अमेज़न की दुकान आज हर एक फोन में अवेलेबल है। हम कभी भी मान लीजिए अगर एक फोन लेने की भी सोचते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले ऐसा नहीं आता है कि हम वो बगल वाले मोबाइल की दुकान है वहां चल जाते हैं। हमारे माइंड में सबसे पहले आता है अच्छा चलो अमेज़न में चेक कर लेते हैं क्या रेट है, कैसा फोन है, फीचर्स क्या है, सारी चीजें आज अमेज़न में अवेलेबल है। तो ये स्केलेबल है फ्रेंड्स, इसका एक नेटवर्क है जो उन्होंने बिल्ड किया, एक सिस्टम उन्होंने बनाया है जो हर किसी के हाथ में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स स्केलेबल बिजनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है जो हर किसी के पास पहुंच सके, हर किसी के पास अवेलेबल हो सके। और लास्ट आता है फ्रेंड्स डिटैच योर बिजनेस विथ टाइम। डिटैच योर बिजनेस विथ टाइम मतलब कि
आप सोते समय भी कमा सके। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप जब सो रहे हो तब भी आपकी इनकम जनरेट होती रहे। हम क्या करते हैं नॉर्मल बिजनेस में या जॉब में, जाएंगे पैसा आएगा, नहीं जाएंगे नहीं आएगा, शटर खोलेंगे पैसा आएगा, शटर बंद पैसा बंद, ऐसा होता है। हमें कोई ऐसा इनकम जनरेट करना चाहिए कि आप ना भी जाए, किसी दिन अगर आपका मन ना हो आप वेकेशन में चल गए, आप टाइम मल्टीप्लाई करना है तभी पैसा मल्टीप्लाई होगा। फ्रेंड्स हमें अपना ऐसा बिजनेस ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि आप सो रहे हो, आज के डेट में क्या है देखिए, आज अंबानीज भी हैं सो रहे हैं फिर भी पैसा जनरेट हो रहा है, वॉरेन बफेट है, जेफ बेजोस है, बिल गेट्स है, सो रहे हैं फिर भी पैसा डबल ट्रिपल होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा इनकम हमें भी जनरेट करना है जिससे कि हमारे रोज की लाइफस्टाइल में अगर ना भी जाए तो भी जनरेट होते जाए पैसा। तो ये तो फ्रेंड्स कैसे हमें बनाना है, कैसे हमें अमीर बनना है उसका एक तरीका है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको तरीका समझाते हैं कि कैसे आपको इस बिजनेस में कैसे आपको अमीर बनना है। लेकिन आपके पास ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है जिससे कि आप अमीर बन सकते हैं? ना तो हम कपड़े की दुकान खोल सकते हैं, ना तो हम डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर बन ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर नहीं बनना है या पढ़ाई खत्म कर लेनी है, वो भी करनी है। और पार्ट टाइम आप ऐसा क्या कर सकते हो, एक्टिव इनकम के साथ आप क्या कर सकते हो, पैसिव इनकम के जनरेट कर सको, क्या हम ऐसा कर सकते हैं साथ साथ पार्ट टाइम कि आप और भी ज्यादा इनकम जनरेट कर सकें? ना हम डॉक्टर बन सकते हैं आज के डेट में, ना हम कपड़े की दुकान खोल सकते हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास आज सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास क्या है जो ट्रेंडिंग भी है और जिसे आप फॉलो भी कर सकते हैं? पहले के जमाने में क्या था, लोग जॉब करते थे क्योंकि वो तो बहुत ट्रेंडिंग था। उसके बाद क्या आया, बिजनेस। आज कई सारे लोग जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, बहुत पैसा बनाया। आज की डेट में 21st सेंचुरी में फ्रेंड्स आज का ट्रेंड जो है ना वो है एंटरप्रेन्योरशिप और MLM इंडस्ट्री, ये है आज का ट्रेंड। और अगर हमने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे और अमीर बनने का जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत जल्दी हाथ से निकल जाएगा। फ्रेंड्स हमें हमारे GBD रंजन सर हमेशा कहते हैं कि ट्रेंड को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले के जमाने में मोबाइल आता था नोकिया का कीपैड वाला, आज दिखता है नहीं दिखता है क्योंकि बनता ही नहीं है, क्योंकि उसका ट्रेंड जो है खत्म हो गया है। हर किसी के पास आज स्मार्टफोन है, टच स्क्रीन है, सारे लोग टच के टच में आ गए हैं, है कि नहीं फ्रेंड्स? पहले के जमाने में लोग बैलगाड़ी में जाते थे, आज जाते हैं क्या? सिर्फ बैलगाड़ी आपको म्यूजियम में ही मिलेगा। आज के डेट में लोग कार से जाते हैं, फ्लाइट से जाते। तो फ्रेंड्स हर तरह के परिवर्तन आएगा क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज का जो ट्रेंड है वो है MLM इंडस्ट्री, और आज के ट्रेंड को हम फॉलो करेंगे तभी हम सक्सेसफुल बन पाएंगे, तभी हम अमीर बन पाएंगे। तो आज के ट्रेंड फॉलो करने के लिए आपके पास सोल्यूशन क्या है, आप कम टाइम में कम उम्र में सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं? आज का ट्रेंड जो है वो है MLM इंडस्ट्री, उसमें हमारे पास एक ऐसी इंडस्ट्री है मोदी केयर, जिससे आप उस सारे पॉइंट्स को जो मैंने बताया कि जरूरी है अमीर बनने के लिए, वो सारे पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल है जिससे कि आप अमीर बन सकते हैं। सबसे पहले मोदी केयर में क्या है, अटैक द नीड, जैसे मैंने बताया लोगों को वैल्यू करना है, लोगों की नीड को पूरा करना है। हमारे पास मोदी केयर में लोगों की नीड पूरी करने के लिए सारी चीजें अवेलेबल है, सारे रेंज अवेलेबल है, कम से कम 15 से ज्यादा रेंज अवेलेबल है जो आपको डेली यूज में काम आती है। इंटरनेशनल क्वालिटी है, इंडियन प्राइस है, जो लोगों की नीड को फुलफिल करता है, लोगों के बजट को कम करता है कि नहीं फ्रेंड्स? ये हमारी डेली नीड भी है और ये हमारा बजट कम भी करती है, राइट फ्रेंड्स? उसके बाद क्या है, डिटैच योर टाइम विद बिजनेस। अगर हम इस बिजनेस में पैसा कमाने आए हैं, पैसा बनाने आए हैं, तो हम सारे लोग जानते हैं कि ये पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। पैसिव इनकम यानी कि आप जाए ना जाए, आप सोए जागे फिर भी आपका पैसा जनरेट हो सकता है कि नहीं फ्रेंड्स? तो दूसरा पॉइंट भी ये कवर हो गया। और तीसरा पॉइंट स्केलेबिलिटी, हर लोगों के मुंह में ये आना चाहिए कि सामान लेंगे तो मोदी केयर से लेंगे और कहीं से नहीं लेंगे। इसके लिए हम दिन रात जो है मेहनत करते हैं, काम करते हैं। बिजनेस का अगर आपको ऐसा सिस्टम बनाना है, ऐसा बिजनेस बनाना है, ऐसा नेटवर्क बनाना है कि आप रहे ना रहे फिर भी पैसा आते रहे, तो हमें स्केलेबिलिटी करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को फैलाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा स्केल करना पड़ेगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, तभी हम इस सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। और फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट, हाई एंट्री बैरियर बिजनेस, यानी कि आपको कुछ भी हाई इसमें करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि रंजन सर हमारे GBD हमेशा कहते हैं कि छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना है, छोटा छोटा काम करना है। और हाई एंट्री बैरियर मतलब कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है और आपको फ्री रजिस्ट्रेशन है। खासकर ये है कि आपको इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन मिलता है और आपके जो जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं
वो आपको एकदम इंडियन प्राइस में मिलते हैं और इंटरनेशनल क्वालिटी के भी मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये चारों पॉइंट्स पूरा करने के लिए एक ऐसा बिजनेस हमारे हाथ में है, तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट भी करने की जरूरत नहीं है, रिस्क भी नहीं है। तो आज के डेट में अगर हमारे पास कोई बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, तो वो क्या है? मोदी केयर, MLM इंडस्ट्री, और उसमें मोदी केयर हो तो वो सोने पे सुहागा है, राइट फ्रेंड्स? और हमारे जैसे यंग मिलेनियल, क्योंकि आज का टॉपिक यंग मिलेनियल है, तो फ्रेंड्स यंग लोगों को ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इस इंडस्ट्री में अगर डेडिकेशन से, मेहनत से 5 से 6 साल दे देते हैं, तो आगे की लाइफ बिल्कुल सेट है। हम सारे लोग जानते हैं कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ मेहनत करनी है 5 से 6 साल, उसके बाद आप अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आज के डेट में कि गुजरात से विजय अग्रवाल सर, दिल्ली से अक्षय दत्ता मैम, ये सारे लोग अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 5 से 6 साल कड़ी मेहनत की, अपना बिजनेस बिल्ड किया, नेटवर्क बिल्ड किया, सिस्टम बिल्ड किया, उसके बाद आज वो 26 साल में 26 साल में रिटायर है कि नहीं है फ्रेंड्स? आज वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो हमें भी फ्रेंड्स ऐसा फाइनेंशियल फ्रीडम जनरेट करना चाहिए कि हमें कभी भी जिंदगी में पैसों के बारे में सोचने की जरूरत ना पड़े। और जहां तक नेक्स्ट जनरेशन की बात है, मैं बात करना चाहती हूँ, जैसे मेरी मम्मी जो है जानवी मैम, उन्होंने इस बिजनेस को बहुत ही मेहनत से, बहुत ही स्ट्रगल से, बहुत ही हार्डवर्क से इसे बिल्ड किया, इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया इस बिजनेस में। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट जनरेशन हूँ, तो मुझे जैसा कि कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? जैसे कि लोग कहते हैं कि नेक्स्ट 7 जनरेशन, नेक्स्ट आप कितने भी जनरेशन आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स, हम कमाते क्यों है? हम काम कैसे करते हैं? अगर मेहनत करेंगे तभी भी तो पैसा आएगा फ्रेंड्स। आज की डेट में अगर अंबानी, मुकेश अंबानी जी जो है, वो ऐसा सोच दे कि हम नहीं कमाएंगे, हम जो है पैसा नहीं, हम काम करने नहीं जाएंगे, हम बिजनेस नहीं करेंगे, तो धीरू भाई अंबानी जी ने इतना जो बड़ा बिजनेस एम्पायर बिल्ड किया है, अगर मुकेश अंबानी जी ऐसा सोच रहे कि हमको नहीं जाना है, मेरा 1000 पीढ़ी सेट है, हमको काम करने की जरूरत नहीं है, तो क्या वो पैसा आएगा? वो बिजनेस जो है, वो सिस्टम जो उन्होंने बिल्ड किया है, वो सस्टेन रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड हुआ है, उसे मेंटेन करने की भी जरूरत पड़ती है। आज के डेट पे उसका बेटा आकाश अंबानी, श्लोका अंबानी, जो Ajio.com जो ऐप है, लाइफस्टाइल ऐप है, फैशन ऐप है, उसके मालिक है। आज के डेट में वो भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें काम नहीं करना है। आप चाहे रिक्शा वाले से बात करो या अंबानी से बात करो, सबको काम करना है, सबकी जनरेशन को काम करना है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स हम इनकम को 2x, 3x, 10x करने आए हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि आप 10 गुना पैसा कमा लो, ताकि आपको पैसा कमाने की बाद में कभी दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, मेहनत तो करनी है, पेशेंस भी रखना है, पैसा भी कमाना है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास जो इंडस्ट्री है, क्यों ना उसी से स्टार्ट किया जाए और उसी पे फोकस किया जाए, क्योंकि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं और टाइम भी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि कितना हमारी लाइफ जो है एक एक्सपायरी डेट के साथ आती है, राइट फ्रेंड्स? तो हमें कम उम्र में जल्दी काम करके जल्दी रिटायरमेंट ले, तो हमारे लिए बेटर होगा कि नहीं होगा? मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि मैं तो बहुत लेट हूँ, मुझे तो 25 साल हो गए। अगर 19 साल में अक्षय दत्ता मैम की जैसे मैंने इस इंडस्ट्री को समझा होता, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली होती, तो मैंने इसे क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं लेट हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर 25 साल में मैं बोल रही हूँ मैं लेट हूँ, तो क्या होगा अगर 30-40 साल बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे? फ्रेंड्स, जब जागो तब सवेरा। अगर आज हमारी एज 40 साल भी है, तो हमारे पास 5 साल टाइम है, 45 ईयर्स तक हम मेहनत कर सकते हैं, 46th ईयर जो है वो आपका फाइनेंशियल फ्री होगा। आप किसी फॉरेन टूर में जा रहे होंगे, आपके पास आपके सपनों की गाड़ी होगी, आपके पास आपका सपनों का घर होगा, आपके पास वो सारी चीजें अवेलेबल होगी। ये सारी बातें जो है यंग एज में मिलियनेयर बनने की जरूर है, लेकिन साथ ही साथ अगर आपकी एज 30 साल, 40 साल, 50 साल के ऊपर भी है, तो अभी भी देर नहीं हुई है। इस इंडस्ट्री में मेहनत करके सिर्फ 5 साल काम करना है, 5 से 6 साल, उसके बाद आपकी लाइफ हमेशा के लिए सेट है। आपके लिए भी, आप एंजॉय भी कर सकते हैं, और आपकी नेक्स्ट 70 जनरेशन तक आप अपना फ्रीडम फाइनेंस सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक जो मैंने बताया। आज कुछ गलती हो गई, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, जो टॉपिक दिया गया था, वो मैंने पूरी कोशिश की कि उसे पूरा कवर कर सकूं। और थैंक यू वेरी मच आज मुझे मौका देने के लिए, जानवी मैम, सतेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी अपलाइन सीरीज को रविश, महागुरु रविश रस्तोगी सर, राखी मैम, जयशंकर सर, LBN एंटरप्राइजेस, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो सिखाया है वही आज मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। हमेशा वो आते हैं, इस मीटिंग लेते हैं, हमें सारी चीजें सिखाते हैं, स्किल सिखाते हैं,
तो आज मैंने वही रिप्रेजेंट किया है, तो उसके लिए मैं सब अपलाइन सीरीज का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने ही सारी चीजें मुझे सिखाई है और आज मैंने प्रेजेंट किया है। और जानवी मैम और सत्येंद्र सर का तो जितना थैंक्स बोला जाए उतना कम है क्योंकि उनकी वजह से ही आज ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है। और आज की डेट में फ्रेंड्स नॉलेज बहुत जरूरी है क्योंकि जहाँ सरस्वती होगी वहीं पे पैसा आएगा। तो इस इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो हर दिन नॉलेज लेना है, हर दिन सुरेखा मैम के, जो डॉक्टर सुरेखा मैम के, अक्षय दत्ता जी के, सभी के वीडियोस को हमेशा देखते रहना है, इंस्पायर होना है, मोटिवेट होना है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छा काम करने आए हैं हम। अच्छे काम से पैसा आता है तो वो हमेशा जिंदगी भर आपको काम आता है और आपको पुण्य भी मिलता है फ्रेंड्स। तो ये सब बहुत ही अच्छा काम है जो हमारे समीर मोदी सर MD गॉडफादर है, इतने अमेजिंग पर्सन है जिसने इस इंडस्ट्री को लाया, इस इंडस्ट्री को समझा और लोगों की नीड को पूरा किया और लोगों को सही चीज दी कि आप इस इंडस्ट्री से अच्छी चीजें दे सकते हैं, आप हेल्प दे सकते हैं, आप अच्छी चीज दे सकते हैं और साथ ही साथ कमा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आज के डेट में फ्रेंड्स प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ना वो 18 साल से लेकर 100 साल तक कोई भी इंसान कर सकता है। और इस इंडस्ट्री में अगर आप हो तो आपका सक्सेस होना निश्चित है। और अगर आप टीम मिशन से हो, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी टीम जो है बहुत ही जबरदस्त है, महागुरु रवीश रस्तोगी सर LPN एंटरप्राइजेज है इस टीम में हम है, तो वो हमारा आशीर्वाद बन के आई है। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, यहाँ पर मैं एंड करूंगी आज का सेशन के लिए। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगी जानवी मैम को। जानवी मैम प्लीज कंटिन्यू फ्रॉम हियर। थैंक यू वेरी मच मोनिका, आई एम प्राउड ऑफ, बहुत बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मोनिका मैम, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारे कुछ सारी चीजों को बताया है, रखी है। मैं जानवी चौकसी आप सबका स्वागत करती हूँ और ये वेबिनार में, और ये बताना चाह रही हूँ कि ये मेरी बेटी है। 3 से 4 साल पहले जब हम लोग उसको बताते थे कि बेटा मोदी केयर है, ऐसा है वैसा है, तुमको करना चाहिए, बहुत अच्छा है, नहीं नहीं मम्मी मैं तो ऐसा ये का सब काम नहीं करूंगी, ये बेचने वाला काम मुझे राशन दुकान समझ रखा है, मैं ये सब करूंगी। तो उस टाइम में वो मुझे बहुत भी प्राउड फील रहा है, उस टाइम में वो मना कर रही थी और बोल रही थी कि उसको बुक देते थे पढ़ने के लिए, गुरुजी आते थे तो बोलते थे कि ये बुक बेटा पढ़ो, तुम बहुत अच्छा कर सकती है। पर सच में उस टाइम में ना मुझे भी भरोसा नहीं था कि मोनिका इतना अच्छा करेगी। और आज सारे लोग उसको, कम से कम इतने सारे लोग उसको नाम से जानने लगे हैं और वो सारी पहचान हमारे गुरुदेव सत्येंद्र सर की वजह से ही हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इस काबिल समझने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक सिंपल सी हाउसवाइफ को आज नेटवर्कर और नेटवर्क से लेके एक अच्छी एंटरप्रेन्योर भी बना दिया है। राखी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे अतुल सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जयशंकर सर LPN एंटरप्राइजेस, और हमारे महागुरु रवीश रस्तोगी सर को बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे चुना है यहाँ पर और यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हमेशा दिन भर। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है, यंग मिलेनियर कैसे बने, तो यंग लोगों का अभी जनरेशन है हम लोग का 20 से 25 साल की उम्र के लोगों को आगे बढ़ाने का। मैं तो ज्यादातर अभी कोशिश कर रही हूँ, हमारी टीम में बहुत सारे इंजीनियर बच्चे है जो कुछ ना कुछ जिंदगी में करना चाह रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला तो चाहत वही है कि उसको मैं कैसे आगे बढ़ाऊं। क्योंकि यहाँ पर जितने हमारे टीम में इंजीनियर बच्चे हैं मेरे टीम में, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी जिंदगी में ऐसा कुछ कर जाए कि मरने का बाद में भी वो जाने जाए, क्योंकि आगे जाके जनरेशन तो वही रहने वाला है और देश को तो वही लोग चलाने वाला है। हमारे जो टीम मेंबर्स है, जो 20 साल 25 साल के लड़के हैं, 30 साल के बच्चे हैं, वही हम लोग का जनरेशन है और ये बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले हैं। और समीर मोदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि यंग मिलेनियर को, यहाँ पर जितने सारे पेरेंट्स है उसको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को जिस तरफ हम लोग जो पॉजिटिव माहौल रखेंगे, जिस तरफ हम लोग उस जिस दिशा में उसको लेके जाएंगे ना, वही दिशा में वो लोग जाएंगे। तो जो कुछ भी अपने बच्चे कुछ भी कुछ बनना चाहते हैं तो कभी उसको मना मत करिए, जो भी कुछ करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, और सपने उसको जो बड़े अपने को ही दिखाने होते हैं, अपने को बताना है कि हाँ तुम कर सकता है, उसको कभी किसी भी चीज के लिए मना मत करिए, उसको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे
कि हाँ बेटा हाँ तुमसे हो जाएगा, तुम कर सकता है। हमेशा हम लोग जो बोलेंगे पॉजिटिव बोलेंगे, वाइब्रेशन पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग सारा चीज यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो टॉपिक है मेन मुझे दिया गया है कि यंग मिलेनियर कैसे बने। तो मैं इसकी मोनिका की मम्मी हूँ, तो मैंने उसको कैसे ट्रेन किया है। मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाह रही हूँ। एक लड़का था, उसको बोला गया कि वो मार्केट में गया, उसके एक फ्रेंड मिला कि बोला कि तुमको एक ईमेल आईडी, तुम अपना बताओ तो तुम्हारा ईमेल आईडी कौन सा है। तो सच बताओ तो ये वो लड़का था ना, उसको पता नहीं था कि ईमेल आईडी होती क्या है। वो यंग लड़का को इतना हर्ट लगा कि मुझे ईमेल आईडी, उसको बताया गया चल तुम साइड हो, तुमको तो ये भी पता नहीं है, तुमको जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो वो लड़का को बहुत ही ज्यादा हर्ट लगा और उसने क्या किया कि उसके पास में 200 रुपया था, तो 200 रुपये का वो सोच रहा था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। पर वहां पर एक मार्केट में उसको ना एप्पल की एक दुकान मिलती है और वो 7-8 एप्पल लेके आता है, 7-8-10 एप्पल उसमें आज गए होंगे 200 रुपया में। तो उसने एप्पल लिया और फिर उसको एक मन में सूझा कि क्यों ना मैं इसको बेच दूं। तो वो लड़का ने क्या किया कि उसको बेचना शुरू किया, बेचा तो 270 रुपीज आया, 270 रुपीज को उसने फिर कन्वर्ट किया तो 400 रुपया मिला उसको। फिर उसने उसमें इन्वेस्ट किया, फिर तो फिर उसका धीरे धीरे करके ना 7-8-10 दुकान उसकी फ्रूट की बन गई। फिर वो इतना फेमस हो गया ना, एक दिन ना इंटरव्यू लेने के लिए आए और इंटरव्यू में उसको वही जो शख्स थे जो उन्होंने बताया कि आप अपना ईमेल आईडी बताइए, तब वो बताता है कि सर आपने जो मुझे उस टाइम में नहीं बोला होता कि तुम कुछ नहीं कर सकता है तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ऐसा ही होता है हमारी जिंदगी में, अपने सक्सेसफुल लोग है ही, मुकेश अंबानी जी है यहाँ पर, धीरू भाई अंबानी को जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल जब डाल रहे थे तब जब किसी ने उसको हर्ट नहीं किया होता कि आप जो पेट्रोल देने का काम कर रहे हैं ना वही काम करिए, आपसे ना कभी कुछ नहीं होगा, और पेट्रोल का मालिक बनने का तब सोचिए मत। तो जो उसको ये चीज हर्ट नहीं होती और यहाँ पर उसको नहीं बोला होता कि तुम कुछ नहीं कर सकता है तो आज धीरू भाई अंबानी इतना अंबानी एम्पायर खड़ा नहीं होता। तो ये सारी चीज हम लोग कर सकते हैं, हम लोग के बिलीफ लेवल को अपने को बढ़ाए, अपनी क्षमता को बढ़ाना है, पेशेंस रखना है और रिस्क लेना है। मैंने भी एक टाइम ऐसा था कि मेरी पूरी टीम के साथ में ना मुझे रिजाइन करना पड़ा था, बहुत सारा चैलेंजेस मेरे साथ भी आए थे पर मैंने भी कभी हिम्मत नहीं हारी है। वो चैलेंजेस को रिस्क लेकर और क्षमता को बढ़ाकर और पॉजिटिवली उसको लिया था और धीरे धीरे पेशेंस रख के सारा ये डेवलपमेंट फिर से हो गया था। तो सारा चीज ऐसा है कि जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, कुछ करने जाते हैं इसलिए चैलेंजेस आते हैं, कुछ करते ही नहीं तो चैलेंजेस हमेशा कभी किसी के पास में आने वाले नहीं है। यहाँ पर एक मैं एग्जांपल देना चाह रही हूँ, फेसबुक का जो एक फेसबुक का मालिक है, जब फेसबुक स्टार्ट हुआ था ना अमेरिका में तब फेसबुक चालू नहीं किया था, वो एक लड़का था सिंपल सा, उसका नाम मेरे को तब उसको जब बोला गया था कि वो स्टार्ट किस लिए किया था, जो कॉलेज के बच्चे थे ना वो अपना अच्छे से पढ़ाई कर सके इसके लिए उसने चालू किया था। तो वो उसको पता नहीं था कि फेसबुक में इतना फिर सबको लिख के सबका लिए हम लोग को ये ओपन कर लेना चाहिए। तो ये आज फेसबुक कौन यूज नहीं कर रहा है, वो यंग मिलेनियर बन चुका है। एक मैं एक एग्जांपल और देना चाहती हूँ, काइली चेलर एक ऐसी लड़की है 20 साल की लड़की थी, जब उसने ये क्या बोलते कॉस्मेटिक कंपनी स्टार्ट की थी, पर उस टाइम में उतनी चली नहीं थी, आज वो $900 मिलियन की कंपनी हो चुकी है। उसको भी ऐसे चैलेंजेस ही आए थे और आज इतनी बड़ी चला रही है वो। तो यंग मिलेनियर हमारे सामने अक्षय दत्ता मैम है, सारे के सारे लोग हैं, जो सबसे विजय अग्रवाल जी हैं जो 6.5-7 लाख का चेक ले रहे हैं पर मंथ का, यहाँ पर कल्पेश चित्रोड़िया जी है जो यहाँ से 3.5-4 लाख की इनकम पे है। तो यहाँ पर सक्सेस है, सब कोई सक्सेस कर सकते हैं, बस एक जज्बा जुनून और रिस्क लेने का पावर भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर मीटिंग में जितने सारे लोग हैं, यंगस्टर भी है और यंगस्टर के पेरेंट्स भी है, तो मैं सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को कभी किसी भी चीज के लिए ना मना मत करिए,
जो चीज में उसकी मास्टरी है उसको आगे उसमें बढ़ने दीजिए, वो सारा कुछ कर सकते हैं जो आप सोचे भी नहीं होंगे। क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी आज इतनी बड़ी इतने लोगों के साथ में आएगी और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देगी। पर ये बिलीफ लेवल ही है जो हम लोग को आगे बढ़ाते हैं और सारी चीजें होने लगती है। तो ये सारा चीज हुआ है हमारे गुरुदेव की वजह से, जिसने मुझे बिलीफ दिलाया, आगे बढ़ाया कि तुम कर सकती है। तो अपने को अपना पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सारे चीज अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित ही करे, पॉजिटिव ही उसका वाइब्रेशन और घर में भी पॉजिटिव माहौल रखे कि अपने बच्चे हमारे जैसा जो हम कर रहे हैं वैसा ही हमारे बच्चे हो जाए और वही डुप्लीकेट हमारे बच्चे करने लगे। तो यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, इतना समय हम लोग को दिया। और यहाँ पर हमारे साथ में क्राउन डायमंड डायरेक्टर मोदी केयर इंडिया से मेरे गुरुदेव सत्येंद्र सर भी मौजूद है, तो मैं उसका 10 मिनट लेना चाहती हूँ कि सर हम लोग को यहाँ पर और आगे कैसे हम लोग अच्छा से कर सके, उसके लिए 10 मिनट हम लोग को थोड़ा सा बताए प्लीज। थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन के बाद में मुझे नहीं लगता है कि अब किसी के मन में कंफ्यूजन होगा। हम तो सबसे पहले हम ईश्वर के आभारी हैं जो मुझे सदमति दी इस बिजनेस को समझने का। दूसरा अपने मम्मी पापा और पूरे परिवार का आभारी हैं जो लोग इस बिजनेस में पग पग पे मेरा साथ दे रहे हैं, खास करके मेरी दोनों बेटियां और पत्नी जो हर मोड़ पे मुझे मानसिक संबल प्रदान करते हैं और इस व्यवसाय में निरंतर एक दूसरे का सहयोग करने में सहायता प्रदान करते हैं। मोनिका को सुनकर के मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि जब मैं आज से 1.5 साल पहले मैं जानवी चौकसी को बोलता था कि देखना एक दिन यही हम लोगों का नाम रोशन करेगी, और जानवी को भरोसा नहीं था कि वो इतनी अच्छी स्पीकर बन पाएगी। और मैं शुरू से ही कहता था कि एक दिन ये मोनिका चौकसी इंडिया में नहीं संपूर्ण विश्व में एक अच्छी लीडर के रूप में विख्यात होगी। आज आप दोनों का जो टॉपिक था इतना बेहतरीन रूप में आप इस चीज को रिप्रेजेंट किए कि मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी कंफ्यूजन किसी के मन में होगा। दोस्त, जब भी किसी चक्रवर्ती सम्राट के बारे में हम लोग सुनते हैं पढ़ते हैं तो चक्रवर्ती सम्राट कोई भी तब तक नहीं बना जब तक उसके शासन काल में साम्राज्य विस्तार चैप्टर नहीं आया। सच पूछे तो मोदी केयर बिजनेस से भी हम लोग चक्रवर्ती सम्राट ही बन रहे हैं। आज के डेट में ये जो 96 देश है 2025 तक 96 देशों में मोदी केयर जाने वाला है, आधे विश्व में ये मोदी केयर जाने वाला है, और एक समय आएगा जब संपूर्ण विश्व में मोदी केयर के माध्यम से हम लोग हर कंट्री से में जनरेटेड टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 62% कमाने वाले हैं। तो बहुत ही बारीकी से मोनिका इस चीज को शेयर की कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी एज लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ हमारा उम्र 18 साल होना चाहिए और साक्षात स्वरूप कि हम भारत के नागरिक हैं, हमारे पास आधार कार्ड होने चाहिए, हम इस व्यवसाय से जुड़ के और न केवल अपने आप को सफल इंसान बना सकते हैं बल्कि हम अपने अपनों के जिंदगी को भी खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्त, हम शुक्रगुजार हैं अतुल कुमार सिन्हा एंड राखी सिन्हा का। वो लोग यदि मेरी जिंदगी में नहीं आते तो हम दोनों पति पत्नी आज भी वैसे ही नौकरी में पड़े रहते और इस चिंता से ग्रसित रहते कि मेरे अगले जनरेशन का क्या होगा। तो शुक्रगुजार हैं हम राखी सिन्हा, अतुल कुमार सिन्हा, जयशंकर सिंह जी, एलवीएन इंटरप्राइजेस और महागुरु रवीश रस्तोगी जी, सुरेखा मैम, समीर सर का, जो
इतना बेहतरीन वे दिए हम लोगों को अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने का, ना केवल अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने का, अपने अपनों के जिंदगी में खुशियां देने का। थैंक्स, जय मोदी केयर। थैंक यू, ओवर टू मोनिका। आप सभी लोग को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका मैम, गांधी मैम, आपने बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपकी दया कृपा से मैं आज सारा चीज कर पा रही हूँ। और